तो क्लास स्टार्ट होती है तब उस आंसर आते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, एल्कोहल। मैं इतना पढ़ लिया है, एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन भी पढ़ना है, कीटोन भी पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है, हेलो एरी पढ़ना है, हेलो एल्किन पढ़ना है, एरी पढ़ना है, हेलो एल्किन पढ़ना है। सर इथर पढ़ना होगा पढ़ेंगे, अगर और कपड़ एमिन रहेगा तो पढ़ लेंगे, है एमिन रहेगा तुम लोग पढ़ लेंगे, नहीं रहेगा कोई बात ही नहीं है, है ना। तो इतने हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समझ मेरी बात आती है। एल्किन का समान सूचक राशि पूछे तो क्या कहेंगे, एल्किन का समान सूचक क्या होता है, सी एन एस टू एन प्लस टू, एल्किन का तो देखिए इसमें जो है ना ये कार्बन के यौगिकों में देखिए हेलो एल्केन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अब कुछ नहीं पढ़ना मुझे, कीटोन भी नहीं पढ़ना है, अब लिख के पढ़ा दे रहा है, जो सिलेबस में हम रहेगा वही पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे हम क्या क्या पढ़ा देंगे हम लोग को, इक्का पुक्का तीर तो का लइए राती लल लल सुनिए, शुरुआत करने वाले हम लोग एल्कोहल की, सॉरी एल्कोहल की तो खत्म कर ही चुका, एलडी हाई क्या होगा, एलडी हाई, इस एल्डिहाइड को, इस एल्डिहाइड को लोग कीटो समूह के नाम से जानते हैं, किस नाम से, कीटो। अगर आप से देखेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ हो, इधर आर हो, और आर मतलब आप समझते हैं क्या होता है, सी एस थ्री, सी टू एस फाइव, सी थ्री एस सेवन, और एल्किल समूह होता है, मैंने कल बताया था, सी डबल बॉन्ड ओ और आर, सी डबल बॉन्ड ओ और आर, सी डबल बॉन्ड ओ और आर, सी डबल बॉन्ड ओ और होता तो मैं और नीचे लिख दे रहा हूँ। अगर हम इधर एच लगा देंगे, क्या लगा देंगे, yes. इसका नाम होता है एल्डिहाइड, यानी सी एच ओ कहीं होता है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड। अगर ये आर नहीं रहा, अगर ये एच होगा तभी एल्डिहाइड होगा, तभी क्या होगा, आर है तो और बस ये बात है, अगर ये एच होता ना तो एक कार्बन का एल्डिहाइड होता, कितने कार्बन का एल्डिहाइड होता, एक कार्बन का, लेकिन यहाँ पे आर है तो आर में दो भी कार्बन हो सकता है, तीन भी कार्बन हो सकता है, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, जितना हो सकता उतना कार्बन का एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ आर आ गए तो ये कीटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर इधर ओ एच आ गया तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक, अगर ये सी एल हो गया तो इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अगर ओ इधर सी एल, अगर ये ओ आर हो गया तो आर सी ओ आर, इसको बोलते हैं एस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टर, क्या है? अभी होता है आर सी ओ का होल ट्वाइस ओ आर, एन हाइड्राइड होता है ये, है ना, क्या होता है, एन हाइड्राइड, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, एन हाइड्राइड होता है। तो बड़ा सावधानी से देखना पड़ता है लोगों को, कहाँ कब एल्डिहाइड हो जाए, कब कीटोन हो जाए, कब कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाए, कब
केसी डाला दिया, बट ये दोनों तो पढ़ना ही नहीं है, खुशी की बात है। और इसमें भी ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, तो ऐसा इसको भी पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा तो चलते हम लोग पहले एल्डिहाइड की शुरुआत करते हैं। किस शुरुआत करते हैं? एल्डिहाइड। अगर बात की जाए एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड जिसमें सी एच ओ रहता है उसे हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। चाहे सी डबल बॉन्ड ओ एच रहे उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। जिसमें ओ कार्बन से ओ लगा हो क्या वो एल्डिहाइड होगा? जिसमें कहूँ की सर ये भी सी ओ है क्या एल्डिहाइड है? यार ये ओ एच है, ये अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल? कोई कुछ इसका नाम क्या था बता पाएंगे? क्या नाम बताएंगे इसका? अल्कोहल बताएंगे, मेथेनॉल, इसका नाम है मेथेनॉल। एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा, आल हो जाएगा। आप समझिए यहाँ पे सब जगह छुपा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साथ जगह छुपा रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एल्डिहाइड क्या प्रतीक होता है? की होता है R C डबल बॉन्ड O H। इसमें लोग पिछवा अल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? अल। क्या जोड़ेंगे? अल। क्या जोड़ेंगे? अल। अल का मतलब पीछे, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, ब्यूटेनल, ये सब इसमें क्या जोड़ेंगे? अल। किसमें? एल डी आई। एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं? आल। आल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? आल जोड़ते हैं, ढेर लाल हो जाएंगे ये, क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? आल। इसमें इसमें लोग ओल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? ओल। क्या जोड़ते हैं? खैर अपना स्टाइल में दिखाएंगे क्या काम। समझिए, और इसमें ओ ही कम, इसमें हेलो एल्केन का हेलो एल्केन है, क्या समझे? हमको एल्डिहाइड पढ़ना, क्या बोला? जैसे मैं लिखूं एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये को कार्बन है और एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं? एम आई टी एच ए एन ई, ये मेथेन हो गए। इसमें क्या जोड़ेंगे? वन अल। क्या समझते हैं? वन नहीं लिखिए, कोई दिक्कत है क्या? मैंने बताया था ए ई आई ओ यू अगर एक साथ आए कहीं तो पीछे वाला मैच हो जाता है, कट जाता है, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल, नहीं समझे? अगर मैं कहूँ सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एस थ्री सी एच ओ, सी एस थ्री सी एच ओ, एथेन ई ए टी एच ए एन ई, क्या हो गया? एथेन, क्या जगह? अल, ये हो जाएगा एथेनल, हो जाएगा क्या? हो जाएगा एथेनल, एथे है ना, एथे। समझिए, अब मैं लिखता हूँ, यानी इसका गिनती कहाँ करेंगे? इसमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसी गिनती जहाँ से सी एच ओ शुरू होता है तो वहीं से शुरू करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, मतलब ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ, ये ऐसे अच्छे आदमी है कि हमेशा किनारे रहते, कभी बीच में नहीं। ओ एच का बीच में आता था, हाँ, एल्किल बीच में आता था, हाँ, ये तक कब, ये तक वो क्या, ये तो पास निकला है हमारे किनारे आता था, एल्काइन बीच में आता था, हाँ, एल्किल बीच में आता था, लेकिन एल्कोहल बीच में आता नहीं आता था, क्या एल्डिहाइड बीच में आएगा? एल्डिहाइड बीच में नहीं आता, देगा तो किनारे गिनती शुरू करते हैं, किधर शुरू करेंगे? उधर से, एकदम यही से गिनती शुरू करते हैं, वन टू थ्री फोर, ब्यूटेन, और क्या जोड़ेंगे? अल, इसका नाम होगा ब्यूटेनल, क्या नाम होगा? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, अरे बहुत आसान है। मैं कहूँ सी एच थ्री सी एच सी एच ओ सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच ओ और सी एच, गिनती किधर से करना चाहेंगे? गिनती किधर से करेंगे? पूर्व से के पश्चिम से, यहाँ से,
यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। हम क्या बताएं आपको कि जहाँ पे सीएचओ शुरू होता है वहीं से गिनती शुरू करना है भाई। और सानोगे यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 उधर भी जा सकते थे, जा सकते। पर एग्जांपल छोटा सा कराते थोड़ा बड़ा कराते, समझिएगा। जब दुदू गए तो क्या करेंगे, समझिए। पहले समझिए, पहले समझिए क्या करिए। CH3 CH2 CH2 CHO CH2 CH, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, क्या नाम है? पेंटेनॉल, नल, नाट नल। अगर मैं कहूँ CH3 CH CH2, अगर मैं यहाँ पे OH लिख दिया और यहाँ पे CH2 लिख दिया, डबल बॉन्ड लिख दिया और CH लिख के CH3 CHO लिख दिया, तो क्या करेंगे आप लोग? आप तो लोल हो जाएंगे आप लोग। एल्कोहल भी है, एल्कीन भी है, एल्डिहाइड भी है। अब यार पहले एक एक ग्रुप पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? एक एक ग्रुप। इसके बाद मिक्सिंग करके पढ़ेंगे, हो सकेगा तो पढ़ेंगे। वैसे मिक्सिंग करके आप लोगों में नहीं है। मिक्सिंग में क्या होगा ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड, एको सबका सब मिक्सर रहेगा। एक वरीयता श्रेणी आएगी, उस श्रेणी के अनुसार हम नाम लिखेंगे। जो सबसे ऊपर रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसमें कार्बोक्सिलिक में सबसे ऊपर रहता है, ये सबसे महान होता है, ठीक है। इसका नाम नहीं लिख पाएंगे अभी हम लोग, इसका नाम लोग नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो लिख रहे हैं, सॉरी सवाल देख लिख मिटा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ये कैसा सिस्टम है? चलिए नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम लिखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको पता है क्या है? एथिल है। अरे एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है। अगर एक उलट कर रहा था तो मिथिल होता, दो कार्बन का नाम क्या है? इसका नाम क्या बताते हैं? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। अरे क्या नाम है इसका? प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। कितनी कार्बन है? प्रोपेन है ना, अगर इसको हम बंद कर देंगे ना, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन क्या है? साइक्लोप्रोपेन क्या है? ये म्यूटेन क्या है? क्या है? क्या है? और ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? ये क्या है? एक्सेंट क्या है? हेलो, तो मुंह बना बना बोल रहा है तू का? और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या ये साइक्लोहेक्सेन? अगर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे ना, इसका नाम रहेगा बेंजीन। क्या रहेगा? बेंजीन। बेंजीन की बात नहीं करेंगे हम लोग ना। क्या हो जाएगा?
साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन। समझिए कि अगर ये सी एस थ्री और ये सी एस थ्री एथेन है, क्या ये एथेन है? क्या साइक्लोएथेन होगा कभी ये? चोक से ही गोला बना दी, कितने गोला कौन गोला मिला के लगाओगे? कहाँ ले जाओगे? किसी तरह से रिंग बनाओ, तीन कार्बन रहता रिंग बन जाती समझिए। तो ये जो एल्केन है इसका नाम है एथेन, क्या नाम है एथेन, क्योंकि सी टू एस सिक्स है। देखिए सी टू एस क्या है, सिक्स है। अगर इसको जब सी टू एच फाइव में कर दूं सी टू एच फाइव एथेन, क्या हो जाएगा? अरे देखो सी टू एच चार पाँच एथिल है कि नहीं है। इसी तरह ये ऐसा होता है ना, ये सी टू एच सिक्स था, एक इसमें हाइड्रोन निकाल दिया गया, इसमें जाकर लटका दिया गया, सी टू एच फाइव हो गया कि नहीं हो गया? क्या सी टू एच सिक्स को लटका पाओगे तुम? नहीं, क्योंकि पूरी इसकी वजह से पूरी है, पूरी इसकी वजह से पूरी है, क्या इसमें चिपका पाओगे तुम? कहीं नहीं। अब इसको अगर दो कर दूं तो एक बार से खारिज हो जाएगी, लेकिन में चिपका लेता रहे देखो सी टू एच फाइव तो हो जाएगा एल्किल हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? एल्किल। इसी साइक्लोप्रोपेन था, क्या हो गया जब लटक गया तो साइक्लोप्रोपेन। नहीं समझे। अरे यार देखो साइक्लोप्रोपेन, अभी तो मैं बताऊं साइक्लोप्रोपेन जब पार श्रृंखला मार जाएगा तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अभी OH को पार श्रृंखला कहीं नहीं लगाया था, जब OH को पास सिक्रम लगा उसको हाइड्रॉक्सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाइड्रॉक्सी। अभी एल्डिहाइड को अलग लिखते हैं ना, एल्डिहाइड को फार्मिल भी लिखते हैं, कब? जब पास सिक्रम आ जाएगा तब। अभी काम बता रहे हैं सर, अभी तो मैं खाली सिंपल से पढ़वा रहा हूं। तो भाई नाम इसको मैं अगर लिखूं ये पे नहीं था, बस यही था ना इसे, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपिल इसका नाम है एथिल है, इसका नाम क्या है? मेथिल। इसका नाम क्या है? इसका भी नाम क्या है? अब नाम लिखा जाए, पहले ई आएगा, पहले सी आएगा, पहले एम आएगा, सी पे सी पांच, पांच पे क्या? साइक्लोप्रोपाइल, पांच साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। एथिल लिखेंगे कि मेथिल लिखेंगे? क्या को एथिल? तीन तीन कितना मेथिल? तीन कमा चार डाई मेथिल, डाई मेथिल। कितने कार्बन? चार। हेप्टेनॉल, हेप्टे नॉल। बोले कोई दिक्कत परेशानी आई तो बताइए, हाँ ठीक है। अब देखिए मिटाते हैं इसको, देखिए मान लीजिए एक और ज्यादा आ गया वो है, एक और ज्यादा आ गया, क्या आ गया? ये लोग पाल पा रहे हैं कि ले पा रहे हैं? ले पा रहे हैं ना, एग्जाम्पल देखिए सी एच ओ सी एच टू सी एच ओ और सी एच कितने कार्बन आपको दिखते हैं इसमें? चार। चार कार्बन पक्का? अब गिनती शुरू कर, जांच में कहा गिनती शुरू करी, हर बार सब जगह सेम आएगा, एक दो तीन, अच्छा एक दो तीन, अच्छा एक दो तीन, किधर से भी गिरेंगे तीन ही आएगा, तीन से गिन लेते हैं वन टू थ्री। अब तो ये मेरी क्या हो गई? पार श्रृंखला। इस पार श्रृंखला हम लिखते हैं फार्मिल, क्या लिखते हैं? फार्मिल। जब सी एच ओ पार श्रृंखला में रहता है लिखते हैं फार्मिल, क्या लिखते हैं? फार्मिल। को फार्मिल, दो फार्मिल, दो फार्मिल, दो फार्मिल। कितने कार्बन? तीन। प्रोपेन,
प्रोपेन, क्या प्रोपेनॉल लिखेंगे? प्रोपेन 1.3 डाइऑल, प्रोपेन 1.3 डाइऑल। बात समझ में आती कि नहीं आती? अगला ये कौन दिखाए? मान लीजिए CH3, CH2, CHO और इधर भी CH, CHO, CH2, CH, 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 CL, CH, BR, CH, इंट किधर से करते हैं? लेफ्ट से कि राइट से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। अब नाम पहले किसका लिखेंगे? ब्रोमो। कितना ब्रोमो? दो ब्रोमो, तीन क्लोरो, तीन क्लोरो, चार पीएच। पीएच बोलते हैं फेनिल, क्या बोलते हैं? फेनिल, चार फेनिल। फेनिल कह जाए प्यार के, ये कभी पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? ये मेरी बुक से अगले पास निकल आ जाती थी, है ना? फेनिल था, ये क्या था? चार फेनिल हेक्सेन का 1.6 डाई। समझे कि नहीं? दिमाग में गया कि नहीं गया? जी ऐसे लिख, प्रोपेन लिख देते कहा है आप? एक्शन 1.3 डाई सिंगल बॉन्ड है ना। अच्छा बताइए एक बात, बताइए एक बात सर जी, आप जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है एक्शन क्यों लिख रहे हैं? आपको हेक्सेन भी तो लिखना चाहिए भाई। हेक्सेन आप क्यों लिख रहे हैं? हेक्सेन क्यों लिख रहे हैं? क्यों भाई? डबल बॉन्ड नहीं है क्या इसमें? डबल बॉन्ड नहीं है। अरे यार देखो ये CHO ऐसे लिखा है, देखो ये ऐसे CHO, वही तो मैं भी सही समझ रहा हूँ। बताइए क्यों नहीं लिखते हैं? इसलिए नहीं लिखते हैं कि जो डबल बॉन्ड सिंगल वाली बॉन्ड होती है उससे कार्बन और कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन नहीं जोड़ना, कार्बन और कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ए हेक्सेन नहीं लिखेंगे, हेक्सेन नहीं लिखेंगे। वजह यह है कि वो डबल बॉन्ड है, किसमें है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, और कार्बन जब कार्बन के बीच में अंतर नहीं लिखेंगे। लिखें देखिएगा, मिटाए मिटाए देखिएगा। पूरा दे देखो CHO, CH2, CH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, BR, CH2 और CH, कई वाले सी ज्यादा बता दीजिएगा। दो तीन चार सीट है। नाम लिखा जाए किधर से गिनती करेंगे? यह से गिनती करते हैं, तीन ब्रोमो, छ मेथिल, ऑर्केस्ट्रा वाली देखो, छ कितने कार्बन? आठ। क्या? आठ। टोइन चार, इन
चार कल वन का मां सात या वन का मां आठ ढाई समझे नल गया कि नहीं हल समझे हो गया। चलिए अब हम एल्डिहाइड, ये इतना आसान है एल्डिहाइड, बहुत आसान, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कीटोन में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, चले तो एक बार मैं थोड़ी सी आप लोगों को बात बता दूं, जो एल्केन होता है ना उसमें हम लोग एन जोड़ते हैं, जो एल्किन होता है उसमें हम लोग ईन जोड़ते हैं, इसमें जो होता है आल, इसमें आल, इल, इसमें आर, इसमें ठीक है। अगर इसका सूत्र कोई पूछे देंगे सर सी एन एस टू एन प्लस टू, एल्केन में दो जोड़ देते हैं, एल्की में दो छोड़ देते हैं, एल्काइन में दो मोड़ देते हैं और एल्किल में एक जोड़ देते हैं। एल्केन में दो जोड़ देते हैं, एल्किन में दो छोड़ देते हैं, एल्काइन में दो मोड़ देते हैं और एल्किल में एक जोड़ देते हैं। समझ में बात आती, सी एन एस टू एन प्लस टू, सी एन एस टू एन, सी एन एस टू एन माइनस टू, सी एन एस टू एन प्लस वन, सी एन एस टू एन प्लस वन इंटू ओ एच, इसका आर नहीं होता है, इसका हो जाएगा क्या आर सी एच टू, आर सी एच, जरूरी नहीं है कि आर सी एच टू हो सकता है, एच सी एच टू भी हो सकता है, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या साधारण नाम है फॉर्मल्डिहाइड, जानना बहुत जरूरी होता है, फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन को एसिटल डिहाइड बोलते हैं, सी एस थ्री सी एच टू, इसको बोलते हैं एसिटल डिहाइड, क्या एसिटल डिहाइड। अब आती है बात खतरनाक वाली, कौन वाली खतरनाक वाली, खतरनाक बात ये आती है कि मैं चलती हूँ, कहाँ चलती हूँ मौसी बोलावा विद्यार्थी के पांच गुण हमारे में कौवे की तरह सुनते हैं, कहीं को भुन भुनाई बात तुरंत से चल जाओ, मैं बेहतर है आराम से पढ़िए, आप हमको भी कुछ कहेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इग्नोर कर देंगे हम। चलिए ध्यान दीजिए, कीटोन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कीटोन, अरे वैसे हम तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं, बाप पढ़ा लें, थोड़ा सा पढ़ा लें, उसके बाद फिर काम करेंगे अपना। कीटोन आता है लोग पढ़ेंगे, कीटोन कीटोन में लोग ओ नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे ओन, कीटोन इतना अच्छा आदमी है कि कहता तीन से पहले हम जन्म नहीं लेंगे, तीन से पहले हम जन्म ही नहीं लेंगे, जब भी हम शुरू करेंगे तो तीन के साथ, मतलब कि जो पहला इसका जो कंस्ट्रक्शन है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इससे नीचे कोई कार्बन हो ही नहीं सकता है, क्या एल्किन एक कार्बन का हो सकता है, हाँ यार एल्किन एक कार्बन का हो सकता है, क्या एल्किन एक कार्बन की हो सकती है, नहीं एल्किन कैसे एक कार्बन की, उसमें डबल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन चाहिए, नहीं चाहिए, ये हाइड्रोजन लगा डबल बॉन्ड बना दे, तो ये सी का सजी है सी एच टू और ये मार का बड़ा रंग देंगे हम, ठीक है, तो एल्किन में भी दो बॉन्ड चाहिए, एल्काइन में भी दो कार्बन चाहिए, एल्कोहल में दो कार्बन चाहिए, एक कार्बन से हो जाएगा क्या एल्कोहल, हाँ हो जाएगा यार, सी एच थ्री ओ एच, एल्डिहाइड एक कार्बन से हो जाएगा, हाँ एल्डिहाइड एक कार्बन से भी होता है और दो कार्बन से भी होता है। अब आते हैं हम लोग किस पे पहुंचे, कीटोन में, कीटोन का था तीन से पहले जन्म नहीं लेंगे, कितने जन्म से तीन, अब इसका नाम लेते हैं वन टू थ्री, वन टू थ्री मेथ ए प्रो प्रो प्रोपेन
कॉपी ओन टू ओन टू ओन, इसको हम लोग साधारण रूप में नोन भी कहते हैं। अगर दो नहीं लगाएंगे तब भी सी डबल बॉन्ड दो ही पर ही आएगा, है ना, सी डबल बॉन्ड दो पर ही आएगा, बस समझ रहे हैं, पता है आप लोग दिमाग बातें नहीं जा रही है। अगर मैं तीन कार्बन लूं सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, गिनती कैसे करेंगे, वन टू थ्री ब्यूट, क्या लेंगे, ब्यूटेन, कोपेन दो टू ओन, इसको हम ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं, दो भी गायब हो जाएगा। अब सॉरी सर सर आप ब्यूटेनोन लिखिए, हम लिखते हैं ब्यूटेनोन, दुनिया भाई पता करेगा, वो दो ही नार पे आएगा यार, सिल्वर बार वो लगाओ ना, किनारे तो लगाओगे नहीं, किनारे तो लगाओगे नहीं, एक बार लगाओ क्योंकि दोनों आर होना चाहिए ना, सिल्वर मान लो तब वो वन टू थ्री फोर गिनो क्लियर गिनो गए, अब तुमको हम इधर लगाएंगे तभी वन टू थ्री दो ये पाएगा, इसे दो लिखिए चाहे मतलब एक दो की बात कर रहे हैं, ये बहुत तेज जाती है वहाँ पे, भले तुम नीचे ही रहा करो, नीचे का सारा मटेरियल तो ऊपर तो ऊपर जाना, ब्यूटेनोन ब्यूटेनोन, तीन कार्बन में और चार कार्बन में अंक लिखने की जरूरत नहीं, अंक लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा तीन कार्बन से चार कार्बन पहुंच गए, अब पांचवें कार्बन देखिएगा किसमें, पांचवें ब्यूटेन ब्यूटेन टू ओन लिखे, अच्छा ब्यूटेनोन बात क्या है, सलामत बोलो, अरे ये पांच कार्बन कितने कार्बन है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल वन ओ सी एच थ्री, एक दो तीन चार पाँच, अब इसको लिखेंगे वन टू टेन टेन क्या आप इसको पेंटेनोन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पता क्या है कि अगर हम एक पेंटोनेन देखिए एक दो तीन चार पाँच, अगर हम यहाँ लिख दिए तो थ्री पेंटोनेन हो जाएगा, है ना, थ्री पेंटोनेन हो जाएगा ना, ना इसमें आप अगर ब्यूटेनोन कहे तो आप ब्यूटेनोन लिखेंगे, आप कहीं भी सिल्वर बॉन्ड लगाएंगे दो या फाइव करेगा, इसका साधारण नाम है एसीटोन, क्या नाम है, एसीटोन जरूरी जाना रहता है, एसीटोन साधारण नाम क्या है, एसीटोन एसीटोन एसीटोन, देखो एसीटोन चार कार्बन में गिनती लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, पांच कार्बन में लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, मिट जाए एक सवाल लेके बवाल खत्म करते हैं, सवाल लेके क्या काम करते हैं, बवाल, देखिए सरवन आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, पढ़ा करो यार, पढ़ने से फायदा होता है, देखिए नाम लिखा जाए, कितने कार्बन है टोटल, कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने कार्बन है, हमको लंबी श्रृंखला चाहिए, जरूरी नहीं कि सीधे जाएंगे तब हो जाएगा, नीचे भी आएंगे और इसी तरीके से एग्जाम में देंगे आप लोग को कि आप लोग को फंसाएंगे हम, चार ब्रोमो चार ब्रोमो चार कोमेथिल छ मेथिल
कितने कार्बन? आठ। आक्टेनोन? नहीं, आक्टेन कौन? टू। अच्छा, टू आक्टेनोन भी लिख सकते हैं, आक्टेन टू मोन। कोई दिक्कत? अब ये अगर रिम लिखते आक्टेन ऐसे ओ सी टी ए, यानी आक्टेन टू मोन। हम तो ये क्या कर सकते हैं, ए आई ओ यू वाई, तो हम क्या करते हैं उसमें ए आई ओ यू वाई। ठीक है, तो 1 से 7 पाड़ी देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।